सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। छतरपुर अनुमंडल के पंचायत चीरू के पटखाही में रामनवमी पूजा महोत्सव सह अखंड कीर्तन व रामायण पाठ के शुभारंभ जल यात्रा से किया गया। जल यात्रा का शुभारंभ विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पर्यावरण धर्मगुरु व वन राखी मूवमेंट के प्रनेता पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल और छतरपुर पूर्वी के जिला पार्षद अमित कुमार जायसवाल ने कलश यात्रियों के साथ पौधारोपण कर किया। पर्यावरण धर्मगुरु कौशल ने कलश यात्रियों को पर्यावरण धर्म के 8 मूल ज्ञान मंत्रों की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि पर्यावरण धर्म का पहला मूल मंत्र में अपने जन्मदिन या कोई भी शुभ कार्य पर पौधा लगाना और उसे बचाना शामिल है। उन्होंने कहा कि जल यात्रा का मूल उद्देश्य जल और जंगल को संरक्षित और सुरक्षित करना है, क्योंकि जंगल ही धरती पर जल लाने की व्यवस्था करता है और जल जंगल को बचाना है। वहीं छतरपुर पूर्वी जिला पार्षद अमित कुमार जायसवाल ने कहा कि उनके पूजनीय पिताजी के द्वारा वहां देवी मंदिर परिसर में लगाए गए पौधा से अब पूरी तरह हरियाली आ गई है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि इसी तरह से वे अपने कार्य क्षेत्र में भी हरियाली लाने का प्रयास करें। वहीं उन्होंने किसी भी समस्याओं के निदान के लिए कहा कि वे कटिबद्ध है। चीरू पंचायत के मुखिया सोनामती देवी, समाज सेवी प्रमोद यादव व सचिन पांडे ने पर्यावरणविद व पार्षद के कार्यों को सराहना करते हुए कहा कि कार्यक्रम के समापन पर 4 अप्रैल को पटकाही में सांस्कृतिक कार्यक्रम दुगोला का आयोजन किया गया है, जिसमें मगध सम्राट व्यास सुदर्शन यादव और अरविंद सिंह अभियंता के बीच गायन मुकाबला होना है। कार्यक्रम के अध्यक्ष मिथिलेश यादव, सचिन अरुण साव व बैजनाथ साव, कोषाध्यक्ष रामविलास यादव व अर्जुन यादव होंगे। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए कमेटी में रामचंद्र पाल, जयनंदन यादव, सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता, प्रमोद साव, लखन साव, हरेराम साव, वीरेंद्र यादव, मुखदेव यादव, कुणाल यादव, भरत यादव, सरवन यादव, रामपति यादव, कामता यादव, संजय यादव, अवधेश यादव, संजीत साव, सत्यनारायण पाल, गोपाल साव, हरि यादव, जनेश्वर मिस्त्री, चंद्रदेव यादव, बिगन यादव इत्यादि लोगों को शामिल किया गया है। जल ही जीवन है, तो जल रहने तभी दुनिया बचेगा। तो दुनिया को बचाने के लिए जल नहीं है, जल कहाँ से आएगा? तभी संग्रह होगा। जल यात्रा का उद्देश्य है कि जल को संग्रह करना है, जल जल को दूषित नहीं करना है। तो जल जाएगा कहाँ से होगा? जब पौधा देने और पेड़ होने, पेड़ का काम है जल को लाना, मानव का काम है जल को संग्रह करना। उसी उद्देश्य के आज हमारे सचिव से जल यात्रा का हमारा हिंदू में विधान है। जल यात्रा का विधान जो है हमारे सनातन धर्म में सचिव से जल संरक्षण करने का है।